गाइस क्या सब से मिलो वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो मेरा चैनल ये गेमिंग है जिसकी वीडियो आप देख रहे हो वहाँ पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी और ये कॉपीराइट आई थी मेरी रॉब्लॉक्स की वीडियो पे, जो जिसके लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दी कि रॉब्लॉक्स या फ्री फायर। तो मैं 83% लोगों ने मेरे ख्याल से रॉब्लॉक्स मारा एंड रॉब्लॉक्स का जब मैंने ये वीडियो बना के अपलोड की तो जब ही मुझे एक कॉपी राइट स्ट्राइक आ गई एंड लिटरली उस कॉपी राइट स्ट्राइक में मेरा मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था एंड अब मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा। और यार कॉपी राइट स्ट्राइक से कौन नहीं डरता एंड मुझे कॉपी राइट स्ट्राइक जब आई तो यार लिटरली अब मैं टेंशन में आ गया कि अब क्या होगा। एंड बल्कि नहीं, जो मेरी कम्युनिटी पोस्ट थी उस पर 86% लोगों ने रॉब्लॉक्स के लिए वोट किया था। आपको मैं आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हो 86% लोगों ने कहा है कि रॉब्लॉक्स के ऊपर वीडियो बनाओ एंड मैंने बनाई वीडियो और आपको जैसे मैंने बताया उस पर आ गई कॉपीराइट क्लेम। अब मैं आपको बता दूँ क्यों आई कॉपीराइट क्लेम। गाइस हुआ ये था कि जो मैंने वीडियो बनाई रॉब्लॉक्स के ऊपर उसके अंदर एक म्यूजिक था और उसकी वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। कोई सिंपल सा म्यूजिक था, मुझे नहीं पता था कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है उसके ऊपर एंड यह पर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की एंड मैंने अपलोड की जब कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। बट थैंक्स टू यूट्यूब के उन्होंने मेरी हेल्प की एंड मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी, उन लोगों ने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया था मेरे ऊपर। अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते तो मेरा चैनल जा सकता था। ओके सो ये मेरा चैनल अभी नहीं होता अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता एंड बस मैंने वीडियो डिलीट कर दी एंड ये उन लोगों से मेरी बात हो गई है। अब वो लोग मेरे पर कोई एक्शन नहीं लेंगे एंड मेरी कॉपीराइट स्ट्राइक भी हट चुकी है। सो बस ये था आज की इस वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। तो बस अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।